हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है संजीता गुजरी व्लॉग में। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ अपना एवरीडे हाउस क्लीन रूटीन। तो यहाँ मैं सबसे पहले जो अपना क्लीन करती हूँ मैं डेली में, तो किचन से ही शुरुआत होती है मेरी। और सुबह उठती फ़िलहाल तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, जो सिंपल वाला झाड़ू होता है। तो उसके बाद हस्बैंड और बच्चे चले गए हैं अपने अपने काम पे, बच्चे स्कूल और हस्बैंड ऑफिस। तो यहाँ फिर मैं शुरुआत अपने किचन से ही करती हूँ एवरीडे की। तो यहाँ पे मैंने जितने भी गंदे बर्तन थे सब सिंक में डाल दिए हैं, और अपना गैस मैं साफ़ करूँगी सबसे पहले। और उसके बाद फिर मैं जो टाइल्स वगैरह होती है डेली में मैं साफ़ इनको करती हूँ। तो यहाँ पे जो स्लेप है इस पे भी मैं कपड़ा मार लेती हूँ। तो ये मैंने कपड़ा मार लिया है और डब्बे में दूध जमाया है, तो ये साइड में रखा हुआ है। रात को ही जमाया था, तो फ्रिज में नहीं रखती हूँ मैं, क्योंकि अब सर्दी है तो जुकाम होने का डर होता है। और मैंने टाइल्स और किचन की स्लेप और गैस, जैसा कि आपने देखा, साफ़ कर लिया है। और उसके बाद ये मैं बर्तन मांज रही हूँ। और ये तवा मैंने होम शॉप 18 से कुछ बर्तन ख़रीदे थे, तो नॉन स्टिक उन्होंने बोला था, लेकिन नॉन स्टिक नहीं निकला, तो इसको रोज़ रोज़ मुझे मांजना पड़ता है। तो मांजती हूँ मैं इसको। और अभी मैं सारे बर्तन हैं जितने भी गंदे सबको धो के, मतलब मांज के और धो के, और इनको मतलब मोधे रख देते हैं, मतलब उल्टा रख देती हूँ, क्योंकि इनका जो सारा पानी होता है सब निकल जाता है। नहीं तो अगर मैं इनको टोकरे में रख देती हूँ तो उसी में ही पानी सारा सूख जाता है। और यहाँ साइड में मैं जितने भी बर्तन हैं मांज चुकी हूँ, और टाइल्स वगैरह मैंने साफ़ कर लिए हैं, सिंक भी मैंने साफ़ कर लिया था साथ के साथ। अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो यहाँ पे उठते ही मैं वैसे रजाइयों की तह लगा देती हूँ, लेकिन आज बस वहीं रखी, मैंने छोड़ दी क्योंकि पीहू लेट हो रही थी आज। तो यहाँ पे जैसा कि देखा आपने, मैंने लगा चुकी हूँ मैं यहाँ पे तह, और इन रजाइयों को मैं रख देती हूँ साइड में, फोल्डिंग है तो वहीं उठा के मैं इनको रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब ये सेट कर लिया है, और आप जैसा देख रहे हो आप, बच्चे कपड़े वहीं डाल जाते हैं, तो उन सबको मैं जहाँ उनकी जगह है वहीं पे रख दूँगी। और चद्दर को अच्छे से मैं झाड़ती हूँ, क्योंकि होते हैं थोड़े कीट वगैरह, क्योंकि गाटर है ऊपर तो डर रहता है। तो चद्दर को अच्छे से झाड़ के, और इसमें मैं साइड में मैंने गांठें लगाई हुई हैं, जैसा कि मैंने आपको भी पहले भी बताया है, गांठ लगा के तभी मैं चद्दर को अच्छे से सेट करती हूँ, क्योंकि बच्चे जैसे चढ़ते उतरते हैं तो चद्दर के साथ वो फिसलते हैं। तो अब जैसे मैं गांठ लगा देती हूँ तो मतलब चद्दर ख़राब नहीं होती है। और यहाँ पे ये सारी क्रीम पाउडर वगैरह सब लगाया है हस्बैंड और बच्चों ने, तो बाहर रख के चले जाते हैं, तो उन सबको मैं अंदर शीशे में रख दूंगी। और यहाँ मैं आ गई हूँ अब दूसरे वाले कमरे में। तो यहाँ मैं बताया जैसे कि मैं सभी को झाड़ झाड़ के अच्छे से सुखा, मतलब बिछाती हूँ, और उसके बाद मैं झाड़ के कपड़ों को, मतलब कवर है सोफे के साइड में रख के, और अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। सॉरी यार, थोड़ी स्पीड मेरी ज़्यादा है बोलने की, और कुछ कुछ बोलते बोलते मैं भूल भी जाती हूँ, माफ़ कर देना। और अब मैं इसको भी झाड़ लूँगी, क्योंकि बच्चे नाश्ता करके गए हैं तो कुछ ना कुछ बिस्किट वगैरह वो बिखेर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने झाड़ के और कपड़े से अच्छे से रोज़ मैं साफ़ कर लेती हूँ, बाद का लफड़ा नहीं छोड़ती हूँ कि बाद में कुछ साफ़ करना है। और कवर ये पिलो हैं, और चद्दर जैसा कि मैंने बताया, चद्दर वगैरह मैं सब झाड़ के ही बिछाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये सब बिछा लिया है। और अब मैं आ गई हूँ अपना टीवी के पास। टीवी के ऊपर पैन वगैरह, कागज़ वगैरह, कुछ ना कुछ पढ़ाई होता है, तो वो सब मैं अच्छे से सेट कर लेती हूँ। और टीवी को भी मैं रोज़ ही सूखा जो कपड़ा होता है उसी से ही क्लीन करती हूँ, मैं गीला कपड़ा नहीं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने ये सूखे कपड़े से डस्टिंग कर रही हूँ बेड के सिरौने की, क्योंकि गीला कपड़ा यूज़ करती हूँ तो झबूके से लग जाते हैं, तो सूखा ही कपड़ा मैं यूज़ करती हूँ। और यहाँ मैंने शीशे पे भी सूखा ही कपड़ा मारा है, बाद में मैं न्यूज़पेपर से इसको साफ़ कर लूँगी। और मंदिर पे भी धूल मिट्टी, क्योंकि बाहर का थोड़ा एरिया है तो धूल मिट्टी आ जाती है, तो यहाँ पे मैं झाड़ झाड़ के तो नहीं करती हूँ, क्योंकि झाड़ने से और ज़्यादा काम फैलता है। तो मैं सूखे कपड़े से ही खिड़कियाँ वगैरह पोंछ पोंछ के साफ़ कर लेती हूँ,
और फ्रिज को भी मैं डेली में ही सिंपल जो सूखा कपड़ा होता है उसी से ही साफ़ करती हूँ, गीला कपड़ा नहीं यूज़ करती हूँ। और हॉल में है ये तख्त, बाहर ऐसे ही पड़ा था तो मैंने इसको हॉल में डाल दिया। मन तो था यहाँ पे मैं डाइनिंग टेबल लगाऊं, लेकिन देखना पड़ता है सब कुछ, तो यहाँ पे जगह खाली थी तो मैंने यहाँ पे ये तख्त लगा दिया और अच्छे से झाड़ के चद्दर भी बिछा दी मैंने। तो अब मैं लगा लूँगी सभी में झाड़ू, सभी कमरों में। और यार चाहे कुछ भी है, घर तो देखो साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। डेली रूटीन में जो हम अपनी साफ़ सफाई करते हैं तो उससे हमें यही फ़ायदा होता है कि जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमको। और अब मैं यहाँ पे लगा लूँगी सारे में पोचा और आसान हो जाता है सब काम, क्योंकि सुबह अगर हम किचन से क्लीन की शुरुआत करते हैं, मतलब क्लीनिंग करते हैं किचन की, तो फिर बर्तन वगैरह सारे मतलब लग जाते हैं अपनी अपनी जगह पे। तो अब मैं यहाँ पे मैंने पोचा भी लगा लिया है और आप देख रहे हो क्लीन घर कितना अच्छा लग रहा है, सब अच्छे से सेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे बस यही उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। प्लीज़ आप सभी मुझे सपोर्ट करें और मैं अच्छी अच्छी और बढ़िया वीडियो भी लेके आती रहूँगी। अभी थोड़े दिन छोटे हैं तो उसी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है मेरे को, और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो प्लीज़ आप पूरी देखा करो, रिक्वेस्ट है आप सभी से मेरी। तो चलो चलिए ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय।